मध्य प्रदेश में गारंटी पर घमासान, सीएम शिवराज का विरोधियों पर कड़ा प्रहार, कांग्रेस की गारंटी की खोली कैसी पोल। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रैली, गारंटी और वादों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां चुनाव से पहले सत्ता वापसी का सपना देख रही है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी कांग्रेस के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटने पर पीएम मोदी आराम करने की बजाय सीधे कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंचे और उनमें जोश भरा। इस दौरान प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित तमाम विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी के जोरदार प्रहार के बाद अब कमान सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संभाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस की ओर से प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी पर सीधा प्रहार किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस की ओर से दी गई 5 गारंटियों को मायावी बताया है, साथ ही एक फोटो अटैच कर इन गारंटियों का सच भी उजागर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मायावी कांग्रेस की 5 गारंटी, नारी अपमान की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बिजली गुल और इन्वर्टर की गारंटी, धर्मांतरण और तुष्टिकरण की गारंटी, देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा देने की गारंटी। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा था और एक के बाद एक कई गारंटी दी। क्या कुछ कहा था सुनिए। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहाँ पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक है, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनादेश आने में सिर्फ 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में यहां चुनावी विसात बिछना शुरू हो चुकी है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।